नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विकास यात्रा पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान, यह विकास यात्रा नहीं है, यह फ्रॉड यात्रा है। लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए यह यात्रा है और आज मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है कि वह सही फैसला करेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। यात्रा हिसाब देने के लिए होना चाहिए, 18 साल का हिसाब दे, यह उनकी यात्रा होनी चाहिए। प्रशासन के बगैर तो इनका कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीड़ प्रशासन की यात्रा प्रशासन की सबको कहेंगे कि इतने लोग जमा करो, इतने बसे लाओ और मीडिया में दिखाएंगे कितनी भीड़ थी, पर वह भीड़ भी बहुत समझदार भीड़ है। अब संगठन में बदलाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मानना है कि समय समय पर संगठन में चेंजेस होते हैं। सबसे चर्चा करके जानकारी लेकर, हमारे संगठन चुनाव हुए थे, हर जिले में एक BRO गया, उसकी भी एक रिपोर्ट बनाई है, इस पर विचार किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की गंभीरता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मेरी अभी प्रकोष्ठ से मीटिंग में लगातार बैठक कर रहा हूं, सब अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव, भोपाल में भीड़ जमा करने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में रेसलर्स के प्रदर्शन को लेकर कमलनाथ द्वारा कहा गया कि यह तो बहुत गंभीर बात है, दुख की बात है, अगर ये सच्चाई है, यौन शोषण जो किया है, यह आरोप तो आया है, अखबारों में भी आया, इसमें सीधे एक्शन होना चाहिए, यह बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे प्रदेश में कुछ भी प्रयास कर ले, आज आम जनता समझदार है। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह अपना भविष्य सुरक्षित रहेंगे। भाजपा की मुस्लिम समाज से बातचीत को लेकर कमलनाथ ने कहा, सब समाज मोदी जी को अच्छे से पहचानता है, तो यह किसी समाज से यह कहे कि हम बातचीत करेंगे, उनको जोड़ना चाहिए, समाज को मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। 23 और 24 का रोड मैप बनाने की बात हुई, रोड मैप बनाया भी, एक प्रमुख बात निकल के आई जो मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम समाज, पसमांदा हो या बोरा, इनको साथ लाया जाए, जो उनके नेता बयानबाजी करते हैं वो बयानबाजी ना करें। कैसे देखेंगे आप, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे मध्य प्रदेश को, ये कुछ भी प्रयास कर लें, आज आम जनता समझदार है, मैं ये हमेशा कहता हूँ, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो अपना भविष्य सुरक्षित रखें। मोदी जी ने ये कहा है कि मुस्लिम समाज में जो पसमांदा है या बोरा, ऐसे लोगों को साथ लाना है और जो उनके नेता बयानबाजी करते हैं, सब समाज मोदी जी को अच्छी तरह पहचानता, ठीक है, तो ये किसी समाज से कहें कि हम बातचीत करेंगे, उनको जोड़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ समाज मोदी जी को अच्छी तरह पहचानता है। मैं बाद में करूंगा। ये विकास अब आप लोग शांत हो जाइएगा, बीजेपी बाज नहीं आएगी नाटक टाउटन की करने में, ये विकास यात्रा नहीं है, ये फ्रॉड यात्रा है और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है। पर आज मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सही फैसला करेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। यात्रा हिसाब देने की जगह 18 साल का हिसाब दें, ये उनकी यात्रा होनी चाहिए। पर जनता का ध्यान मोड़ना, जनता को गुमराह करना और जनता के साथ फिर से फ्रॉड करना, ये अब जनता समझ रही है अच्छी तरह। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।